खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों पड़े हो उस चक्रों में कि आप लाखों का कोर्स कर रहे हो फिर भी रिजल्ट जीरो। अगर लाखों का कोर्स किया तो लाखों में ही आप बर्बाद हो गए इंट्राडे ट्रेडिंग में। ऐसे ही एक शख्स की कहानी मेरे इसी वीडियो में मौजूद है जिन्होंने एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति से इंट्राडे कोर्स किया और बर्बाद हो गए, और यही कोर्स में बहुत ही कम पैसे लेके, यानी कि ऑनलाइन सिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसी गलतियां मत कीजिए दोस्तों। वही डायलॉग फिर से है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं आपको ही इतना मजबूत कर दूंगा घर बैठे हुए कि आप दुनिया को ट्रेडिंग सिखा सकते हो। इतना आसान कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए। मैं जब पछताता हूं या रोता हूं, पछताने का मतलब कि वो लोग उन पे कैसे विश्वास कर लेते हैं जिनको कि कोई स्ट्रेटजी नहीं आती है, छोटी मोटी दो चार स्ट्रेटजी सीखी और यूट्यूब पे छा गए पता नहीं कैसे। हम तो इतनी मेहनत करते हैं तो भी नहीं छा पा रहे हैं। आपको विश्वास करें ना करें, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग जो अब निफ्टी में चलेगी वीकली, मुझे करते हुए हो गया ऑलमोस्ट 2.5-3 साल, और इस शेयर मार्केट में मैं 8-10 साल से परिचित हूं। तो मैंने अपना ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने के लिए YouTube चैनल का एक सहारा लिया और चैनल बनाया। कुछ लोग मुझसे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, जो काफ़ी टाइम से इंट्राडे ट्रेडिंग में या तो लॉस कर रहे थे या उस स्ट्रेटजी को भी नहीं समझ पा रहे थे जिसको मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अब वो कंटिन्यू प्रॉफिट्स कर रहे हैं। कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, यानी कि मैं उन नियमों के अंदर चलना सिखाता हूं और बाद में दौड़ना आप अपने आप सीख जाएंगे। समय जरूर लगेगा, अगर बिल्कुल फ्रेश हैं तो 12 महीने, अगर उस स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत जानते हैं तो 6 महीने, अगर उसमें आप प्रॉफिट नहीं कर पाए थे तो ऑलमोस्ट 90 दिन बाद ही आप उस स्ट्रेटजी पे दौड़ने लग जाएंगे। वो सब पूरे वीडियो में पता चलेगी। और कुछ मेरे आपको पुराने 10-12 वीडियोस आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, पूरा पूरा देखिए और एकांत में देखिए। तो मैं आपसे कहूंगा उस व्यक्ति की ये कहानी जिन्होंने 22 लाख रुपए का लॉस किया अकेले ने, लेकिन उस ग्रुप में सीखने वाले बंदे थे 100, और उन्होंने बताया कैसे कि सभी लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नुकसान किया, यानी करोड़ों का नुकसान एक महीने में कर बैठे सभी लोग मिलके। उस नामी ग्रामी हस्ती को मैं क्या कहूंगा, गलती शायद उनके सीखने में थी या सिखाने वाले में थी, ये मुझे नहीं कह सकता, उसका डिसीजन आप लोग देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया है और उस घटना के बारे में छोटा सा आपको बताया है। बाकी सब कुछ आपको पूरा वीडियो जब चलेगा, एक मीटिंग चलेगी, उस मीटिंग में आपको वो सुनाई आएगा। उसमें 5 मिनट का वो पार्ट है, उसको पूरा सुनिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद भी आपको मुझ पे विश्वास करने के लिए मेरे कुछ वीडियो कंटिन्यू देखने पड़ेंगे, और उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। कंटिन्यू वीडियो पूरा कीजिए अब आपका। हरियाणा की तरफ से है और इनका 22 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े नामी ग्रामी हस्ती है, उनकी वजह से 50-60% लॉस सिर्फ उनकी वजह से हुआ, जिन्हें यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम दुनिया यही ले देंगे, क्योंकि मुझे नहीं मतलब, क्योंकि हो सकता है कि इनमें कमी थी या उनमें कमी थी, मुझे नहीं पता भाई, इनमें समझने में कमी रही या उनके समझाने में कमी रही, दोनों चीज है। कि वो 4 दिन में ज्ञान देना चाहते थे, शायद इनकी कैपेसिटी नहीं थी 4 दिन की कैच करने की। तो अब आपके सामने किशनगंज में यात्रा बता रहे हैं, 22 लाख का लॉस है, पहला दिन है, और आगे भविष्य में इनका दोबारा आएगा जब समय, आज के 2-3 महीने बाद में, तब बताऊंगा कि इनकी जर्नी में कितना सुधार हुआ। हाँ किशन जी, प्लीज कंटिन्यू, आप अपना परिचय देते हो। जय श्री राम सर, प्लीज रखिएगा। सर मेरा नाम कुलदीप है, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, किशन क्यों लिखा हुआ है? ये सर गलती से लिखा गया और मेरे को नहीं पता कैसे लिखा गया। मेरा नाम कुलदीप है सर, मैं हरियाणा से हूँ और मैं 3 साल पहले शेयर मार्केट में आया था। ठीक है, तो शुरू में मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ था 2-3 लाख का। हाँ, उसकी घटना बताइए, 2 दिन में 3 लाख का प्रॉफिट कैसे हो गया, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, शुरू के 2-3 दिन में। सर मैं मोटी क्वांटिटी से किया था सर, मैंने शुरू की जो ट्रेड मारी थी वो 4,94,000 से मारी थी। ठीक है,
और उसमें तब मेरे को ना तो YouTube का पता था ना और कुछ का, मैं सीधी ही ट्रेड मार दी क्योंकि मेरे दोस्त मारते थे उनको देख के मैंने ट्रेड मार दी और दो दिन में मेरा लगभग 3 लाख का प्रॉफिट था। अच्छा। उसके बाद मैंने YouTube देखनी शुरू की, तब से मेरा लॉस शुरू हो गया। फिर मैंने 4-5 लाख का लॉस करने के बाद मैं दिल्ली गया था कोर्स करने, वो 3-30 का फॉर्मूला सिखाता था मनीष भारद्वाज। मनीष भारद्वाज दिल्ली गुरुजी के नाम से जानते हैं। ये इस तरीके के 6 पैटर्न हमें बताता है, ये 22 EMA की लाइन लगाओ, इससे अगर नीचे आती है तो बैरिश ट्रेंड हो गया, अगर ऊपर जाती है तो बुलिश ट्रेंड है। इस तरीके से वो सिखाता था हमें, और हमारे बैच में 100 बच्चे थे उस टाइम। मेरे को अगर समझ में नहीं आता तो मैं ये मान लेता, लेकिन 100 के 100 बच्चे मेरे संपर्क में है अब तक, किसी को फायदा नहीं है, सब लॉस में, किसी का 50 लाख का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 20 लाख का, ऐसे है। तो वो वहां से कोर्स करके आने के बाद मेरे को लगा कि अब ये फार्मूला काम करेगा और मैंने ट्रेड मार दी। अब मैंने ट्रेड मारी तो सर वो ट्रेड मेरी क्वांटिटी ज्यादा थी, मेरे को लगा कि ठीक है। मैंने अपने और जो संपर्क में दोस्त थे उनसे पूछा कि हाँ हाँ यहाँ से ट्रेड बढ़ गई है तू मार दे, मैंने वहां से 10 लाख से ट्रेड मार दी। अब उसमें एक ही दिन में मेरा 4-5 लाख का नुकसान हो गया। अब उन्हें बोला कि कल हो जाएगा जूम मीटिंग, तो उन्हें बताया गया ऐसी ऐसी गलती की कल मत कर, कल की तो फिर वो अगले दिन हो गया, वो 10-15 दिन में मेरा लॉस काफी मात्रा हो गई थी, तकरीबन 10-12 लाख का हो गया था 10-12 दिन में। तो उस फार्मूले को उसके बाद मैं हाँ सीखते उसी फार्मूले पे, और जिस तरीके से उन्हें बताया था, हमें लिखवाया भी था, हमने उसको मैच भी किया उसके तरीके से, वो ट्रेड बैठी थी फिट, लेकिन उससे भी लॉस हो गया। और मेरे को अकेले क्यों नहीं, हम 100 बच्चे थे तो 100 के 100 बच्चों का सबको लॉस हुआ और लगातार लॉस हुआ। फिर मैं तकरीबन 20-25 दिन 1 महीना मैंने उसके फॉर्मूले को देखा, फिर मैंने ये देख लिया कि ये काम नहीं करेगा, मैंने इसको बंद कर दिया। फिर मैंने अपने हिसाब से किया और मेरा अब तक का टोटल 22 लाख रुपए लॉस। और फिर आपकी ट्रेडिंग कब, अब आप कब से आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल का आपका साथ है उसमें, थोड़ी वो भी जर्नी बता दीजिए हमको। 6 मंथ से सर मैं लगभग इसमें LTP कैलकुलेटर की सब्सक्रिप्शन लेके और उस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मैं ट्रेड नहीं मार रहा, खाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात रही आपने। वो प्रैक्टिस करने के दौरान मेरे को समझ में तो आया, लेकिन उतना नहीं आया कि जो मैं किसी चीज पे डाउट हो तो मैं किसी से फोन करके पूछूं या मेरे को कोई समझाए, इस वजह से मैंने आपके मतलब आपके साथ जुड़ा हूँ और यही मचा रहा हूँ कि जो मैं गलती कर रहा हूँ कुछ चीज मेरे समझ में नहीं आ रही तो मैं पूछ सकूं या मैं गलती अपनी बता सकूं, सर मैंने ये किया, ये गलती की या ठीक था क्या क्या नहीं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, वो ये बात पूछना चाहूंगा कि मैंने आपको कुछ नियम बताए पहले ज्वाइन करने से पहले। एक कॉल आ रहा है, मैं भी लेते हैं इस कॉल को। हेलो, हाँ सर, आपको मैं 2-3 मिनट कॉल बैक करता हूँ क्योंकि मैं अभी क्लास चल रही है ना, मैं 2-3 मिनट में आपको उसमें कोई टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट कर लूँ, 2-3 मिनट बाद ही आपको कॉल करूँगा, ठीक है सर? तो आपको मैंने नियम बता दिए, समय बता दिया, तरीका बता दिया, आपको फुल रूल्स एंड रेगुलेशन पे, ये जो आपने 22 लाख रुपए के लिए मैंने आपको एक ही बात की, हमें वसूलना नहीं है, आपकी किसी बीमारी में लग चुके हैं, आपको आपकी किसी बीमारी में लग चुके हैं, आपके घर पे कोई चोर घुस गया था, डाका डाल के ले गया, आपको उसको भूलना पड़ेगा, ठीक है? वो मैंने पहले सारी बात बता दी आपको। आपको नई जर्नी चालू करनी है, नए रिफ्रेश तरीके से चालू करना है और नई सोच के साथ चालू करना है। और मैंने ये कहा था अगर इस मार्केट को क्विट करना है अभी कर दीजिए, मेरी जो आपसे ये बात हो सकी, यानी कि छोड़ दीजिए, मत कीजिए अगर बस की, अगर आपको लर्निंग प्रोसेस पे नहीं चलना है, जैसे अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपके सामने कि मेरे पास में मेरे भतीजा बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट डॉक्टरी कर रहा है, 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 8 साल का समय लगेगा, उसके बाद में वो खुद कह रहा है कि MBBS करने वाले उसके साथ के कम से कम 350 बच्चों में से खुद कह रहा है कि लास्ट एंड फाइनल उसने जो माहौल देखा है, जो तरीका देखा वहां पे 1.5 साल हो गए उसको, वो कह रहा है 25% लोग अगर डॉक्टरी में सक्सेस होंगे
वो भी मुश्किल लगता है, वैसे वो 15-20 बोल रहा है, मैं 25 मानता हूँ, ठीक है, जो डॉक्टरी पेशा है इसलिए। लेकिन वो कह रहा है 75% वो भी फेल होंगे, कितने, 4 करोड़ लगाने के बाद भी, 8 साल घर से रहने के बाद भी, 8 साल मतलब MBS का पूरा सिलेबस भी आगे का भी रहता है, वैसे तो 5 साल होता है लेकिन 3 साल आगे का समय जोड़ा जाता है, ठीक है ना, कंप्लीट वाला। तो वो आप लगा लीजिए कि वहां पे भी सक्सेस रेट कम होगी, लेकिन यहाँ पे मात्र मैं कितने रुपए, 2,999 रुपए अभी, आगे भविष्य में क्या लूंगा इसका कोई भरोसा नहीं मुझको, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन अभी 2,999 रुपए का मैं एक छोटा सा हिस्टोरिकल प्रैक्टिस डाटा जो LTP पे ऑलरेडी मौजूद रहा हूँ सकते हो, और वहां पे कुछ ऐसा देखा है मैंने जो मैंने 2.5 साल तक उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस की, और मार्केट को जो वीडियोज में आप लोग देखते हो कि मैं कंटिन्यू मार्केट में वो बताता हूँ जो होने वाला है, ऐसा नहीं होने के बाद बताता हूँ, लाइव मार्केट प्रेडिक्शन के दौरान मैं बताता हूँ, और वो क्लासे 4 महीने से ऊपर से चल रही है, पीछे वीडियोस पड़े हुए हैं उनको देख के आप सभी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि नियम सख्त होते हैं, रकम छोटी है, मैंने आज तक कहा कि मैंने छोटी रकम या जेब खाली से ही सारे बिजनेस किए हैं, लेकिन सक्सेस रेट मेरी 100% रही है। इस मार्केट में भी मैंने क्या कहा, लगा कितना भी पैसा सकता हूं मैं भी, लेकिन फिर भी जेब खाली से ही बिजनेस चालू किया है मैंने, ये मान लीजिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो रहेगा, मैंने इन्वेस्टमेंट टोटल माना था मेरा 2 लाख रुपए का, कि मैं जब तक सीखूंगा जब तक मेरा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हर तरीके से सीखने में सब में हुआ, और उसका जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, इन्वेस्टमेंट इसमें जरूरी था, और बिजनेस में शायद मुझे कम इन्वेस्टमेंट भी रहा, 50,000 भी किया उसमें लाखों कमाए मैंने, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इसीलिए मेरी थोड़ी क्वालिटी डाउन है, मैं इससे कमा के ही अपने चैनल को ग्रोथ करूंगा, मैंने पहले करा, और आज जो आप लोग मुझे फीस पे करते हैं वो मुझे अपने घर में नहीं मिलती है, वो सारा आप लोगों के रिटर्न, क्योंकि आप लोगों तक पहुंचने के जरिए की वजह से वो फीस मुझे प्रॉफिट नहीं दे रही है, मेरा जरिया है आगे जाके जब सक्सेस होऊंगा तब वो मुझे मिलेगा, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट है, वो भी वो मैं अपनी जेब से नहीं कर रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ अपनी जेब से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बचपन से मेरी फैमिली बिजनेस से संबंध रही है, तो मैं जानता हूँ पैसा कैसे कमाया जाता है, और यही कहता हूँ आप लोगों को मात्र, कुल मिला के अब थोड़ा सेबी के नियम बदल गए तो मैं मानता हूँ 50,000 रुपये ऑलमोस्ट आपको जब सीखने के बाद इतना चाहिए, नियम मेरे होंगे, अगर उन नियमों पे आपको 50,000 से जब प्रॉफिट बनता हुआ चले तो वही 50,000 आपको लाखों में बदलेंगे, और वो जो नॉलेज होगी, जो समय बीतेगा आपका 1-1.5 साल का सभी का, वो नॉलेज आपको फिर उस क्षेत्र में लेके जाएगी जिस क्षेत्र में आज दुनिया कमा रही है, क्योंकि इस मार्केट में गलती यही करते हैं कि बहुत तेजी से समझ में आ जाता है मार्केट, ये मार्केट इतनी जल्दी समझ में आता है कि जैसे इनको आ गया 1-2 महीने में समझ में, लेकिन इसी की वजह से लॉस में चले गए, अधूरे ज्ञान की वजह से बड़ा लॉस होता है, और अगर आप बड़े लॉस को नहीं करना चाहते हो तो पहले ज्ञान ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, और फिर आप उसको, ये इनकम कहते हैं कि शेयर मार्केट ऐसी चीज है जिसके अंदर अथाह सागर है, यानी समझ गया उसके लिए बहुत बड़ा है, मतलब दुनिया का सबसे आरामदायक बिजनेस है, मैं ये कहता हूँ आरामदायक बिजनेस, लेकिन आप कहीं पे हो वहां पैसा कमा सकते हो अपने लैपटॉप मोबाइल से, है ना। दूसरा, लिमिट नहीं है, अनलिमिट पैसा है इसमें कमाने के लिए, खोने के लिए लिमिट है, क्योंकि आपका है जो ही तो खोगे आप, जो है वही तो खोएगा आपका, लेकिन कमाने के लिए दुनिया भर का पैसा है, लेकिन नॉलेज के बाद में, अधूरे ज्ञान से तो डूबता ही है सबका, और वो 90% इसी वजह से डूबता है, मेरी नजरों में 90% पैसा लोगों का डूबने का रीजन है कि उनमें नॉलेज लेने की क्षमता नहीं है, थोड़े ज्ञान की वजह से वो सोचते हैं मुझे बहुत कुछ आ गया, मुझे भी कुछ ही नहीं आता, मैं जब भी मार्केट में बैठता हूं तब मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूं, कि मैं उसमें और सोचता हूं कि और क्या कमी रहेगी, ये जिंदगी भर मेरी रिसर्च चलती रहेगी, मैं साफ कह रहा हूं मैं 0 पे हूं अभी, मेरी कोई नॉलेज नहीं है, चाहे आपने मार्केट कुछ भी दिखाना जानता हूं आपको, मैं अभी भी 0 से पहली सीढ़ी रोज चढ़ता हूं, लेकिन वो पहली सीढ़ी इतनी मजबूत होगी कि 10वीं सीढ़ी तक पहुंचते मेरे साथ में पता नहीं कितने लोग होंगे, बस कहानी वाला, ठीक है। अभी आपकी जर्नी हो गई, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, मार्केट भी LTP कैलकुलेटर है, ये LTP कैलकुलेटर दिखने में हथेली के ऊपर आता है आपकी, यानी मोबाइल में आ जाता है ये, बस इसमें इतना ज्ञान है, हथेली में आपको दे दिया विनय सर ने, लेकिन उन्होंने 10 साल तक इस पर रिसर्च की, 10 साल उन्होंने रिसर्च की, और उसके बाद आज उनकी जो मतलब वेल्थ है जो
वो आज आप खुद देख रहे हो कि जो खुद की जर्नी की उनकी वीडियो है कि मैं सब कुछ खत्म हो चुका था, वो भी जर्नी आप उनके मुंह से सुन लीजिएगा। आज वही शख्स जिसके पास में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन आज भी उतना ही मेहनती है, आज भी अपना टाइम उतना ही देता है, वरना देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उनसे बात नहीं होगी क्योंकि अब एक मिनट भी वो बात किसी से नहीं कर सकती, वीडियो फॉर्मेट में बात होती है, ये बता दूंगा आपको, या फिर क्लास में आपका हैंड्रेस से बात होती है, वहां पे नंबर आएगा तो बात कर लीजिए, 10-5 लोग बात कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। 4,000-5,000 लोग उनकी क्लास में रहते हैं, एक बात। दूसरा, उन्होंने 10 साल या 12 साल या 15 साल हो गए अब तो, 15 हो गए उनको, है ना। इस 15 साल की जर्नी में आपको सिर्फ 12 महीने से लेके और दो साल मान लीजिए लास्ट एंड फाइनल, हो सकता है किसी का माइंड तेज है किसी का कम है, लेकिन 12 महीने उस पर रिसर्च करनी है आपको, तो सिर्फ रिसर्च करनी है, उनकी रिसर्च पे रिसर्च करनी है। यानी कि आपको पैसा नहीं कमाना है शुरू के फेज में, आपको अपने आप को जब भी मार्केट में एंट्री करो अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं क्या सही दिशा में अपनी स्टडी को लेके जा रहा हूं। और यही मैं करवाता हूं कि उनकी जो चीज है उसको आपको सिर्फ अपने आप को पैसा, आप ऐसा नहीं, आपने एक बार प्रॉफिट ले लिया तो आपने चेक किया, यानी कि मैंने ये डायरेक्शन सही है, उस पर 10 बार आपने प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन जहां लॉस करोगे वहां आपको पता करना पड़ेगा कि मुझे लॉस क्यों हो, तो शाम को उसकी स्टडी करोगे अपनी स्टडी को दोबारा, क्यों लॉस होना नहीं चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो लॉसेज छोटे छोटे होंगे लेकिन नॉलेज बड़ी बनेगी, और लेना वहां से जहां पे सबसे सेफ पोजिशन है बिगनर्स को, बिगनर्स को ट्रेड अगर नहीं दिख रहा है सेफ तो मत लो, सिनेरियो बदल गया मत लो, नहीं समझ में आ रहा है मत लो, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। पैसा कमाने के लिए अभी आपके पास में तकरीबन 1 साल बाद है आपका समय, मैं साफ कह रहा हूं। एक लॉट से ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड एक लॉट का मतलब है कि हमको वहां पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मैं साफ कह रहा हूं पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल तक मैंने क्या कहा, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख के बैठा हूं, लेकिन मेरा कंट्रोल सोच लीजिए कितना भयंकर है, जो पूरे ग्रुप को खुद कहता हूं कि 5-10-20 हजार रुपए महीना और 4 महीने से ही कमा रहा हूं। लोग मुझसे पीएनएल पूछते, मैं कहता हूं भाई मैं तो पीएनएल बता चुका ना, और कैसे बताऊं। अब पीएनएल क्या, वो मेरे घर पे डाका डालना चाहता है, सोचता है सुरेंद्र सर तो पता नहीं करोड़ों कमा रहे होंगे, पता चल जाए तो सुरेंद्र सर के घर पे डाका डाल ले। मैं तो कह रहा हूं ना पीएनएल नहीं कमाता हूं मैं तो, 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 25 बस ये लास्ट एंड फाइनल हुई भी 4 महीने से। तो मैं अपने बारे में जब क्लियर कह रहा हूं पीएनएल मांगने की जरूरत ही नहीं, मेरी नॉलेज मेरा पीएनएल है। जो एलटीपी कैलकुलेटर आपको यूज करते हुए 1.5-2 साल हो गए, मुझे ऑलमोस्ट थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, 2 साल से प्लस हो गया हूं मैं, तो वो नॉलेज इसलिए कि मैंने इसको रिसर्च के रूप में लिया और विनय सर ने मुझे जो रास्ता दिखाया मैं उस रास्ते पे चला। हाँ, विनय सर से मेरी शुरू में बात होती तो ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं जो करना चाहता था टीचिंग साइड में जाना चाहता था, पढ़ाना चाहता था, अपनी ट्रेनिंग भी करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था जो यही था मेरा सपना, तो वो सपना इसलिए वो चैनल पहले बना था कि उस क्षेत्र में जाता लेकिन उसमें नहीं जा गया, इसमें चला गया। ये क्षेत्र थोड़ा डेटाबेस है, ये डेटाबेस होने की वजह से बहुत अच्छा है, इसमें काफी क्लियरिटी है, जैसा कि कैंडलस्टिक पैटर्न में या अदर पैटर्न्स में नहीं होती है, ये मैं मानता हूं इस बात को। उसका कोर्स करने में 5 साल लगेंगे आपको, पुराने लोग जितने भी ये चार्ट पैटर्न जो कितने है ना, ये ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 साल कोर्स करे हुए जो आपको आज बताते हैं, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड ट्रेडिंग करते हैं। दुनिया सब आपको एक ही चीज कहेगी, लालच नहीं करना है, लालच करोगे तो आप जुआ खेल रहे हो इस मार्केट, अपनी औकात से बाहर रह के आप ट्रेड भी नहीं कर सकती हो। अगर आपकी औकात नहीं है, औकात का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि मैं जेब में 10,000 रुपए रखता हूं तो आप 10,000 से ट्रेड कर सकते हो, उसमें 10,000 डूब भी जाए तो भी आपको गम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, साफ कह रहा हूं, गम नहीं, ऐसा नहीं नींद ना आए। अच्छा, ज्यादा कमाने के चक्कर में उधार नहीं ले सकते हो, वरना जिंदगी भर पछताओगे, ये मैं पहले कह रहा हूं, जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि यहां पे क्रेडिट कार्ड यूज नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपने अगर लोन लेके यार एक कैंडल इधर से उधर चली गई तो आपका जो नुकसान हो रहा ना वो बर्दाश्त नहीं करोगे, माइंड सेट खराब हो जाता है। तो पहले बार सरप्लस फंड, अगर है सरप्लस फंड तो ट्रेडिंग करो, नहीं तो मत आओ इस क्षेत्र, और वो भी इतना ही करो कि अपने सारे जरूरी खर्चे पूरे करके, अपने अपने परिवार के पढ़ाई लिखाई, उसके बाद कोई फंड बचे उसमें भी दो तरीके यूज करो, एक करो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में
एक करो इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। और जब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अच्छा प्रॉफिट आने लग जाए सीखने के बाद, या अभी से थोड़ा हो सकता है महीने दो महीने भी आ जाता है हमारे ग्रुप में, तो ठीक है, तो उसमें से भी आप उस फंड को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में डालना है आपको। उसको आपको अपने डिमेट में नहीं रखना है, आपको डिमेट में वही पैसा रखना है जो आपका है, वो बस माइनस में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं करना है कि आपको अचानक लॉट साइज बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। उसका जो 1,000, 2,000, 3,000 हमारे ग्रुप में लोगों को प्रॉफिट आता है 20,000 से 10-15-20-25% का, वो प्रॉफिट आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में डालना है। और नई नई रिसर्च LTP पे आपको भी देखनी, क्योंकि ये सामने रिसर्च विनय सर जो नई रिसर्च कर रहे हैं ना, जो आपको अब बताएंगे, वो अब कई चीजें ऐसी होगी जो अब उनको दिखेगी। देखिए मैं कह रहा हूं उनको भी दिखेगी नहीं, वो आपको भी दिखेगी जैसे मुझे दिखी है। जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे बहुत सी चीजें नई दिखी है, जो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट इस वजह से ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो रिसर्च करोगे तो आपको अपने आप अच्छी चीजें दिखेगी। यहां पे ये मैं कहना चाहूंगा, रिसर्च करो, पैसा कमाने मत जाओ। पैसा कमाने के लिए आप में नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो नॉलेज होगी तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा, और नॉलेज नहीं होगी तो है जो भी चला जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो सभी लोग ये बात? बोलिए। यस सर। बस सब कुछ यही पे, आपकी नॉलेज आपको पैसा दिलाती है, ना कि पैसा आपको नॉलेज दिलाता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं उसमें लोगों को। कई लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा छोड़ दूं, अरबों खरबों रुपए छोड़ दूं, मतलब वो एक कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, कोई व्यक्ति दो नंबर का धंधा करता है, रिश्वत लेता है, ये करता है या कुछ भी करता है, या मेहनत करके अपने बच्चों के लिए दुनिया भर का इकट्ठा करता है अपने आप को बुरी तरह से, है ना। मैं कहता हूं उनको सिर्फ तीन चीज चाहिए, एजुकेशन दीजिए उनको बढ़िया, ठीक है, अच्छा उनको मतलब क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन देनी है। दूसरा चरित्र अच्छा बनाइए उनका, चरित्र अच्छा बनाइए। दूसरा तीसरा उनको छत दे दीजिए खाने को, जो मतलब कहते हैं मतलब रोटी कपड़ा मकान दे दीजिए इसके साथ। इसके बाद में आप अगर उनके अंदर संस्कार अच्छे डालोगे तो वो अपने आप 10 गुना आगे बढ़ जाएंगे। अगर उनमें संस्कार नहीं हुए तो आप उनके लिए कितना भी कमा के छोड़ जाओ, वो सब कुछ रोड पे आ जाएंगे वापस आपके जाने के बाद में। संस्कार और उसके अंदर वो बिजनेस कैपेबिलिटी वो डालनी है आपको, मतलब उनको उस माहौल को देना है, तो वो चीज होती है, लेकिन वो नॉलेज से। इसलिए कहता हूं कि ठीक है आप ये सोचो कि मैं अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए छोड़ दूं शेयर मार्केट, नहीं, मैंने क्या कहा, आप अपनी लाइफ में अच्छा करके जाओ, बाकी उसको वो बिजनेस को आगे बढ़ा। अगर कैसे बिजनेस को, अगर कोई व्यक्ति, आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ के गया लेकिन संभालने वाला लायक ही नहीं था, तो वो पता चलता है कि बाद में वो एम्पायर गिर जाता है। ऐसे कोई दुकान जो भी मान लीजिए, अगर उसमें गुण होगा तो 2 के 4 कर देगा, 4 के 8 कर देगा वो, लेकिन गुण नहीं होगा तो आप उसके लिए क्या 32 भी छोड़ के जाओगे ना, वो 32 के 32 डूब बैठेगा, बिक जाएगा सब कुछ उसका गुण। ये इसलिए मैंने शुरू में कही ये चीज उसे देनी है, और ऐसे आपको ग्रहण करनी है कि अगर आप शेयर मार्केट में आओ जिसमें इस तो बहुत पैसा है, मैं कहता हूं है, नॉलेज वाले को है, धैर्यवान को है, और सीख कर है, आराम से सीखो इस मार्केट में। ऐसा नहीं आप 50 वीडियो, आपको एक चीज बता रहा हूं ना, 90% लोगों के डूबने का कारण ढूंढो, नहीं कि 10% के सक्सेस का। पहले तो सर अब हम गलती क्या की, और 90% की गलती है यही है कि वो लालची है सबके सब, या फिर उनको बिना नॉलेज के ही इस मार्केट में पैसा लगा रहे, समय नहीं दे रहे, और थोड़े अधूरे ज्ञान के साथ मार्केट में बड़ा पैसा लगा देते हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को डूबोता है। अधूरा व्यक्ति अगर जो तैरना नहीं जानता है, थोड़ा बहुत अपने घर के तालाब में तैर लेता है, वो अगर बड़े बहते हुए पानी में अगर छलांग मारेगा तो डूब जाएगा, क्योंकि उसने स्थिर पानी में छलांग लगाई है, बहते हुए पानी में नहीं लगाई है उसने, तो वो कहानी है। ठीक है, अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं आज का, और एक शख्स को हम इनवाइट करेंगे, वो आ चुके हैं, जिनका बता दिया कि 22 लाख का नुकसान आपके ग्रुप में आज ही इन्वॉल्व है, और अब उनको जर्नी मेरे साथ करनी है। अभी तक सबकी अच्छी जर्नी होती है, एक शख्स ने गलती करी है, आपको सबको बता दिए मैंने कि कंटिन्यू उनको पहले 12 लाख का लॉस था और फिर कुछ लॉस कम हुआ, और बाद में मेरे पास आने से 45 दिन के अंदर उनको प्रॉफिट्स चालू हुए, लेकिन पुरानी गलती दोबारा दोहरा दी, 1 दिन में 1,10,000 में कितना नुकसान कर बैठे 2 दिन के अंदर। क्यों? क्यों पुरानी गलती की, उन्होंने वही किया कि लॉट साइज अचानक बिना पूछे उन्होंने बड़े कर दिए एकदम से, उनको लगा तो मुझे बहुत कुछ आ गया, क्यों पुराने ट्रेडर थे ना, पुरानी आदत नहीं छोड़ी उन्होंने,
उनको लगा कि हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी ना आपका मोबाइल लेके बैठा हूं यहाँ पे, मैं थोड़ी ना लेके बैठा हूं, आप अपने आप ट्रेड मार रहे हो वहां पे, और अगर बता देते तो मैं मना कर देता, नहीं अभी समय नहीं है। अगर वो सर, आपका पुरानी गलती दोबारा दोहराओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको 45,000 का प्रॉफिट अगर डेढ़ महीने में दिया है मैंने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, और वो भी कितने से रुपए से, 10-15 हजार रुपए से। सर अब हम लोग क्या नाम है निफ्टी में ट्रेड कर पाएंगे? सब करो, 75 तो, उसका चैप्टर अलग लूंगा, आज नहीं लूंगा। आपको गलत फहमियां हो रही है सबको, या तो धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। मुझे पता है कुछ नहीं हुआ ऐसा आपको लग रहा है, सब कुछ आसान है, वो का हुआ है, लेकिन कुछ उसकी अलग क्लास दे दूंगा आपको मैं ना, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है और ये सब कुछ चलेगा। और उल्टा मैं कह रहा हूँ ये बढ़िया हुआ कि ये थोड़ा लॉट साइज 75 का 100 होना चाहिए था। बस आप कह रहा हूँ ये जो बिना बात आपके मार्केट में वो होते थे स्पाइस आते थे, लेवल्स नहीं आते थे निफ्टी में, वो सारी गलतियां खत्म हो जाएगी, लेकिन शुरू शुरू में 10-15 दिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस, ये ना थोड़ा। और अच्छा एक और अभी खबर दे दो, ध्यान रखिएगा अगर किसी को पता हो या ना हो वो भी बता देता हूं अभी, ध्यान रखिएगा दिसंबर का मार्केट बहुत खतरनाक होता है। दिसंबर 12 महीने में से दिसंबर के मार्केट में अच्छे अच्छे धुरंधर ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ वॉच करते हैं। पहले से बोल रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, दिसंबर आने वाला है और उससे पहले ये न्यूज है जिसका इंपैक्ट मार्केट में क्या आएगा, इसलिए अब बिल्कुल सेफेस्ट ट्रेड करनी है, बिल्कुल ही सेफेस्ट ट्रेड करनी है, कम लॉट से करनी है, पहले से कह रहा हूं सभी को। अभी से ध्यान रखिएगा कि अब आपको बिल्कुल सेफेस्ट ट्रेड करना है, कोई भी रिस्क जो लेते थे, कई लोग मेरे ग्रुप में भी लेते हैं 50 लॉट 100 लॉट लेते हैं, मैं अभी भी वापस समझा रहा हूं, वरना बाद में मत कहना कि सर ये क्या हो गया, अभी तो बहुत अच्छा कमा लिया आप लोगों ने, मेरा साथ था और आपकी खुद की किस्मत थी, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, आगे थोड़ा खतरा है, इस खतरे को आपको 2 महीने रिसर्च पे निकाल दीजिए, ताकि आपकी रिसर्च को बढ़ा दीजिए, जिससे आपको आगे और अच्छा फायदा मिलेगा। जो आपकी रिसर्च अभी किसी की मेरे साथ 3 महीने से चल रही है, किसी की 2 महीने से चल रही है, किसी की 4 महीने से चल रही है, LTP कैलकुलेटर के ऊपर, यानी कि शेयर मार्केट निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी आने वाला है जो मैं सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अब उसी पे इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, वीकली एक्सपायरी होगी। तो आप सोच लीजिए कि जिसके साथ आए वो सामने वाला खुल के बोलता है, आपको आगाह पहले से करता है मार्केट में, लेकिन मैं भी कभी कभी गलत हो सकता हूं, तो मेरे भरोसे बड़ा पैसा नहीं लगा सकते हो आप, ध्यान रखिएगा। हो सकता है जिस दिन आपने बड़ा पैसा लगाया उसी दिन मार्केट को मैं गलती कर बैठू, मैं कोई आंकड़ा नहीं समझ बैठू या आप कोई आंकड़े नहीं समझ बैठू, ऐसा होता है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेंगे हम लोग, और उनके बीच में गैप होगा समय का, वो नॉलेज कट जाएगी, 50 करोड़ करने लग जाए, वो पैसा बनेगा उस नॉलेज के साथ, ठीक है। अभी मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा, किसी को कुछ पूछना है फिर हम टॉपिक चालू करने वाले हैं, ये मेरे जो होते हैं टॉपिक ये भी आपको इन्वॉल्व होते हैं, पढ़ाई वाले टॉपिक अब चालू करूंगा, ठीक है सर जी। जैसे अभी ये लॉट पड़ गया है, जैसे 25 का 75 हो गया है निफ्टी का, अभी नहीं 25 का 75 करेंगे, मैं तो साफ करूं, मैं अभी तो थोड़ा सा रुकी है अभी इनके फाइनल नहीं सर, तो जैसे ये लॉट का जैसे प्रीमियम का रेट है सर वही रहेगा, बस वो जैसे हम 75 ले रहे हैं तो 3 गुना पैसा वो यानी वो हो जाएगा। मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आप क्या 3 लॉट से ट्रेड नहीं करे हो क्या, क्या आज तक 1 ही लॉट से ट्रेड कराया गया? सर मैं 2 तक के तो गया हूँ, 3 भी लिया हूँ सर 2-4 बार। और बताइए भैया कौन है जो 1 ही लॉट वाला धुरंधर है, जो 1 लॉट के अलावा कभी ट्रेड ही नहीं मारा आज तक, इतना ईमानदार है, मुझे खुद को ग्रुप में पता नहीं सर। 2 लॉट में तो हूँ मैं, 2 लॉट में उतर गया हूँ मैं, 1 से मेरे ग्रुप में भी बोलूंगा ना अभी पता चलेगा। जी जी तो ध्यान है मेरे को, तो ध्यान है, कुछ लोग हो सकते हैं जो 1-8 लॉट खेलते हैं, मुझे पता है मेरे ग्रुप वाले मेरी बात कब मानते हैं, मारते हैं 50 लॉट कभी 30 लॉट कभी, पता है मेरे को सब ध्यान है, इतना तो जानता हूँ मैं, तो प्रॉफिट आते हैं ना आपके, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोग कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हो, वो सब ध्यान है मेरे को, वो शेयर करते हैं। नए साल से सोचा था 4 लॉट का, पर अब तो 1 या 2 में ही रहना पड़ेगा। अभी बाद में क्या 2 महीने से और भी ज्यादा रिसर्च कीजिए, जो अच्छा समय रिसर्च करने के लिए। दोस्तों तो आप लोगों तक मैं जब वीडियो पहुंचाता हूं तो ये मेरी टीम है और यहाँ पे थंबनेल बनते हैं, इनमें टाइटल बनते हैं, डिस्कशन होता है, जो कट ऑफ होता है ये लोग सब काम करते हैं आप लोगों के लिए, और इनकी मेहनत से ही ये वीडियो मेरे आप लोगों तक पहुंचते हैं।
अब इतने लोगों को ये काम करना पड़ता है तब एक वीडियो कंप्लीट होता है। इनको ऑलमोस्ट एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे सिर्फ उस पर सेट काम करते हैं। इतना आसानी से मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। और यहाँ हमारे शूट होता है या वेटिंग, जो लोग हमसे मिलने आते हैं वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, ऐसे सिस्टम है। और इसके लिए हमने एक टीम लीडर, यानी कि हमारे पास में बहुत अच्छे टीम लीडर हैं जो इस काम को आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से आप तक ये काम पहुंचता है। और मैं कहता हूं इन लोगों की जो मेहनत होती है तब हमारे वीडियो वायरल होते हैं, उससे पहले वायरल नहीं होते थे। जो आपने देखा होगा इस टीम ने आप लोगों तक कितनी मेहनत करके आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप तक मुझे पहुंचने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं मैं बहुत आसानी से वीडियो अपलोड कर देता हूं। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे, मैं पर्सनल घर में बनाता था और खुद ही कुछ एडिटिंग वगैरह करता था, बट वो चीज़ अच्छी नहीं बनती थी, अच्छी क्वालिटी नहीं देती थी। लेकिन अब ये मेरी बातें आप तक पहुंचाने के लिए, बढ़िया थंबनेल या मेरी बात को ढंग से रखने के लिए, अब जानते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और आपसे छोटी जो फीस लेता हूं वो तो वहां पे ही पूरी हो जाती है। मैं एक पक्का व्यापारी हूं, मैं पक्का बिजनेसमैन हूं, कभी भी अपनी जेब से कभी कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट करता हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, शेयर मार्केट में भी मैंने यही किया है। इन्वेस्टमेंट छोटा है लेकिन इरादे बड़े थे और उनको मैंने सक्सेस किया, जो मेरी नॉलेज से, मेरे वीडियो से, मेरे लाइव सेशन से आप लोग देख सकेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी को मैं कितनी आसानी से पहचानता हूं कि मार्केट में क्या होने वाला, वो होने से पहले बता देता हूं। लेकिन आप लोगों तक ये पहुंचने के लिए मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सिर्फ उसके बदले में एक छोटी फीस लेता हूं और वो भी वन टाइम, एक ही बार लेता हूं। वो आप जानते हैं 2999 होती है खाली। लेकिन अब आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के आपको पहचानेंगे कि हाँ, हम तक ये बात पहुँचाने में इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब उस चीज़ को आप देखिएगा और अगर वो चीज़ आपने पूरी देख ली उसके बाद में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने सीखने का इरादा है, आपके पास में सीखने का समय है, वो सब कुछ बता चुका हूँ, और इस मार्केट में अपनी सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स अगर जर्नी को स्टार्ट करना है, ताकि आप कहीं पे भी रहें, मैं कहता हूं अगर आप कहीं पे घूमने गए तो पैसा कमाएंगे, कहीं पे आप किसी फंक्शन में गए हैं तो पैसा कमाएंगे, कहीं पे एकांत बैठे हैं लेकिन वेटिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का, तो पैसा कमाएंगे। और अगर मैं कहता हूं किसी दाग संस्कार में भी गए हैं, अगर किसी की अर्थी पे भी गए हैं, कंधा दे रहे हैं, अगर 3 घंटे उसी समय आप वहां बैठे हैं, वहां पे भी पैसा कमाएंगे इस स्ट्रेटजी, यानी कि इस मार्केट से। लेकिन उतनी नॉलेज लेने के लिए आपको लर्निंग प्रोसेस पूरा करना होगा जो मैं कंटिन्यू कराता हूं। मैंने वो चीजें सारी बता दी है। ओके।